हे ब्यूटीफुल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी मालविका। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये येलो ब्लू ग्लॉसी काइंड ऑफ मेकअप लुक। इस लुक को यूज़ करने के लिए मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल हैं और वो आपके बजट में ही होंगे। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा जेल। ये गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल है और बहुत ही वाटरी है और बहुत ही सॉफ्ट है। ये बहुत ही रिफ़्रेश फील कराता है और इस जेल को मैं अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसमें तीन फ़ायदा होता है इससे। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और प्राइमर का भी काम करेगा एंड सनस्क्रीन का भी बहुत ये काम करता है, अच्छा काम करेगा। एंड जो फोर्थ है ना, ये आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश फील कराएगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये NYB की रेड लिपस्टिक शेड नंबर 13। एंड गाइज, ये लिपस्टिक ना बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड ग्लॉसी काइंड ऑफ है और आप कोई भी रेड लिपस्टिक ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और मैं इसको अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पर अप्लाई कर लूँगी, नोज़ पर भी अप्लाई कर लूँगी फॉर अ नेचुरल लुक। सो आप इसको अप्लाई करने के बाद ना, मैं इसको अपने फिंगर की हेल्प से खूब अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से आपको इसको ब्लेंड करना है। एंड गाइज, ये लिपस्टिक बहुत ही क्रीमी है ना, तो आराम से सॉफ्टली ब्लेंड भी हो जा रहा है। इससे क्या होगा ना कि हमारे फेस पर एक नेचुरल ब्लश वाला लुक भी आएगा। दैट्स व्हाई मैंने इस लिपस्टिक को अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ये इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन SPF 8। ये फाउंडेशन बिल्कुल नेचुरल रियल स्किन वाला लुक देता है और ये नो मेकअप लुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फाउंडेशन है। ये आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड इसे अच्छे से मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। गाइज, हमेशा कुछ ना कुछ होता है, ये गिर ही जाता है, मुझे इससे बनता नहीं है। एंड मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, डैम ब्यूटी ब्लेंडर, एंड मैं इससे अपने पूरे फेस को ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो ब्लेंड अच्छे से, बट मुझसे ब्रश से उतना बनता नहीं है जितना अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर से बनता है। लेकिन अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए ना, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है ना, वो आपके फाउंडेशन को, जो एक्सेस फाउंडेशन होता है, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है एंड आपको नेचुरल लुक भी देता है। एंड मुझे यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने दोबारा से अप्लाई किया है। एंड हाँ, ईयर को नहीं छोड़ना है, ईयर पे भी आपको अच्छे से अप्लाई करना है, वरना फेस और ईयर अलग अलग लगेगा। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड कंसीलर शेड नंबर 04। एंड ये कंसीलर गाइज, ये इतना ज़्यादा अच्छा है और हर यूट्यूबर का ये फेवरेट ही है आई थॉट। एंड अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही सस्ता वाला कंसीलर है ये। अगर आपको एक अच्छा अफोर्डेबल कंसीलर चाहिए ना, देन आप इस कंसीलर के साथ जा सकते हो। एंड इसका सेट वगैरह जो भी है, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना अगर आप प्रोडक्ट्स का डिटेल्स लेना चाहते हो। तो इस कंसीलर को मैं अपने यूजल प्लेसेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और अप्लाई कर लिया है मैंने लाइक आईलिड्स पे, अंडर आइज एरिया पे एंड फोरहेड पे, नोज़ पे, एज़ यू कैन सी। नेक्स्ट इसको मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर लिया है। एंड गाइज, ये कवरेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा देता है। नेक्स्ट मैं सेट कर रही हूँ अपने पूरे फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से, जो कि है स्विस ब्यूटी प्राइम एंड फाइन मैट बेस्ड पाउडर। और इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। जहाँ जहाँ मैं अपने कंसीलर अप्लाई किया है ना, वहाँ वहाँ इस कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारा जो कंसीलर है वो क्रीज ना करे और अच्छे से सेट भी हो जाए हमारा मेकअप, और फाउंडेशन भी सेट हो जाएगा ताकि मेकअप पैची ना लगे। और कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें जो स्वेटिंग होती है उसकी वजह से हमारा मेकअप जो है वो ख़राब ना हो और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने पर। नेक्स्ट यहाँ पर अपने आईब्रोज़ को फिल कर ले रही हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ कलर स्टूडियो आई पैलेट, जिसमें ब्लैक एंड ब्राउन कलर का आई शेडो मैं कलर यहाँ पर ले रही हूँ। अगर आप मेकअप कर रहे हो एंड अपने आईब्रोज़ को फिल नहीं करोगे ना, तो आपका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और बहुत अजीब सा दिखेगा। सो आप कोई भी ब्लैक एंड ब्राउन आई शेडो यूज़ कर सकते हो अपने मेकअप लुक को और इन्हेंस करने के लिए, अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। एंड हाँ, आप अपने आईब्रोज़ को नेचुरल ही रखो, ज़्यादा ओवरड्रॉ मत करना, अच्छा नहीं लगता है।
नेक्स्ट मैं अपने मेकअप को और लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर मेकअप फिक्सर का यूज़ कर रही हूँ, जो कि है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, नेचुरल मेकअप फिक्सर है और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा है। इसको मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर पे अच्छे स्प्रे से स्प्रे कर लूँगी एंड देन अपने पूरे फेस पर डैब डैब करके अप्लाई कर लूँगी ताकि पूरे फेस पर मेरा मेकअप जो है वो फिक्स रहे। नेक्स्ट मैं अपने लुक को और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लश का, जो कि है स्विस ब्यूटी का ब्लश है और ये बहुत ही नेचुरल लुक लाता है और बहुत ही लाइट कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है। एक बार में ही अप्लाई करने पे बहुत अच्छा लुक देता है ये, तो मैं इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। अपने चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी, नोज़ पर अप्लाई कर लूँगी एंड चिन पर भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी फॉर अ नेचुरल लुक। नेक्स्ट मैं अपने आई मेकअप के लिए सेम आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर पिक करूँगी और उसे अपने दोनों क्रीज पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। लाइट कलर ही मुझे लेना है क्योंकि मुझे नेचुरल लुक ही रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं रखना, जिसकी वजह से मैं लाइट कलर ही लूँगी और अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है काजल, आप कोई भी काजल ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लैक शॉक काजल, आप कोई भी काजल ले सकते हैं। इससे मैंने अच्छे से अपने वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन भी कर लिया है एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का ही ट्रू ब्लू काजल। इसको मैं एज अ आईलाइनर अपने आईलिड्स पर अप्लाई करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइज, बहुत ही ज़्यादा, और इससे लुक भी बहुत अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाटर प्रूफ मस्कारा और इस मस्कारा से मैं अपने लैसेस को कोट कर लूँगी। ये मस्कारा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट आपको लेना है कोई भी हाइलाइटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइट एंड ब्रॉन्जर पैलेट। इसमें से मैं गोल्डन कलर का हाइलाइटर पिक करूँगी और अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई कर लूँगी, नोज़ पर अप्लाई कर लूँगी, चिक्स पर अप्लाई कर लूँगी एंड ब्राउ बोन पर भी हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सुपर मैट का लिप लाइनर, जो कि है डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर है। मैं इसी लिप लाइनर से अपने पूरे लिप्स को आउटलाइन कर लूँगी एंड देन रोज़ क्वीन के लिपस्टिक से, जो कि न्यूट कलर की लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक है, इससे मैं अपने लिप्स को फिल कर लूँगी। मुझे न्यूट ही अच्छा लगता है। एंड इंडियन फेस्टिवल में हम इंडियन गर्ल बिंदी ना लगाएं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नेक्स्ट इयररिंग्स के लिए मैं यहाँ पर मल्टी कलर का ये इयररिंग्स जो है वो वेयर कर रही हूँ, बट मुझे बाद में ये अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने इसको चेंज करके ब्लैक कलर का ले लिया था। आप येलो कलर पे या फिर किसी भी कलर पे मल्टी कलर का जो इयररिंग है वो किसी भी कलर के ड्रेस पे चल जाता है। हेयर स्टाइल भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो जुड़ा बना सकते हो एंड ओपन हेयर ही रख सकते हो। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन गाइज़।